नमस्कार दोस्तों, ऑप्टूसियस पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपका CUET PG का एंट्रेंस अब बीत चुका है और UG का भी बीत चुका है, धीरे धीरे आंसर आपके सामने आ रहे हैं, तो आंसर कीज आ रही हैं, अब रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। तो पेपर बीतने के बाद सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होती है ये जानने की कि किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं और कितना उसके लिए हमें जो है वो फ़ी पे करना होगा। ये सारी चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत होती हैं, तो इसलिए हम हर एक यूनिवर्सिटी पर छोटा छोटा वीडियो आपके सामने ला के रख रहे हैं, जिससे आपको काउंसलिंग के टाइम बहुत ही आसानी हो। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम एक नई यूनिवर्सिटी भारत के खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य से, जहाँ पर त्रिपुरा स्टेट से, जिसकी राजधानी अगरतला है, वहाँ से हम त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के में एंट्रेंस के लिए हम MA को ही देखेंगे, MA इकोनॉमिक्स पे ही हमारा फोकस होएगा। तो आप सभी जानते हैं 2 साल का ये कोर्स है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 2 ईयर है। टोटल सीट इसमें जो है वो 50 हैं, जिसमें 4 EWS हैं और 46 सीटें बाकी रिमेनिंग सीटें हैं। तो टोटल सीट्स में 50 है। अब आप देखिए एलिजिबिलिटी इसकी क्या है कि आपको BA या BSc, आप चूँकि ये MA और MSc दोनों के लिए है, तो इसमें दोनों में क्या है, आप BA या BSc किए हुए हों, वो भी ऑनर्स इकोनॉमिक्स में, या आप BA BSc पास हो विद 50%। 45% है SC ST के लिए, जिसमें मतलब आपका एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हो और आप 50% मार्क्स लिए हों, या फिर आप जो है वो 2021 में अपीयर हुए हों फाइनल एग्ज़ाम के लिए, तो ये भी आपका एक एलिजिबिलिटी बनेगा यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिपुरा का। तो यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिपुरा जो कि अगरतला में है, उसमें 50 सीटें हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करते रहा हूँ, उसमें आपको BA और BSc जो है वो ऑनर्स की डिग्री आपको चाहिए। इसके अलावा आप अगर मान लीजिए ऑनर्स नहीं है तो BA BSc पास हो सकते हैं 50% मार्क्स इन इकोनॉमिक्स में, और 45% मार्क्स होने चाहिए SC ST के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। अगर आप अपीयरिंग हैं तो वो भी चलेगा, BA BSc फाइनल में ऑनर्स में होने चाहिए आप 2021 के अपीयरिंग में। तो अब हम आ जाते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर में। तो फ़ीस स्ट्रक्चर आपका ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो उसमें हम आते हैं MA में और MSc में। तो ये वाला जो कॉलम है, ये 2 कॉलम पे हम स्पेशल फोकस रखेंगे। तो इन 2 कॉलम को अगर हम देखना शुरू करें, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी इनरोलमेंट फ़ी जो है वो ₹500, 500 है इनरोलमेंट फ़ी, और ये एक वन टाइम फ़ी है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट इंश्योरेंस होता है, वो आपका होता है 150 का। 800 डेवलपमेंट फ़ी, ट्यूशन फ़ी आपकी ₹1,000 है। 300 लाइब्रेरी के चार्जेस हैं, लेबोरेटरी के 0, क्योंकि लेबोरेटरी कोई होती नहीं है इकोनॉमिक्स में। 200 आपके कंप्यूटर एंड वाईफाई, 100 स्पोर्ट्स, 100 एग्जामिनेशन एंड 300 आपके स्टूडेंट वेलफेयर फंड हैं। तो जैसे आपका पहले सेमेस्टर का बनेगा ₹4,150, और उसके बाद जो सेमेस्टर का बनेगा वो 3,650, और टोटल आपकी जो फ़ीस बनेगी 2 साल की वो 15,100 यानी 15,100 बनेगी MA के लिए। MSc के लिए 19,100 बनेगी। तो MA के लिए आप देख सकते हैं कि 15,100 आपकी 2 साल की फ़ीस बनेगी। काफ़ी बेहतरीन कॉलेज, काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है नॉर्थ ईस्ट के, अगर दृष्टिकोण से देखें, नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से देखें। तो ये थी जो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिपुरा की, कि कितनी सीटें हैं और क्या उसमें फ़ीस वगैरह, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है त्रिपुरा का, तो ये आप इस पर देख सकते हैं। और आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको और अच्छे से देखना हो। तो होप करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जब भी काउंसलिंग शुरू हो तो बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा सकें। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।